हेलो दोस्तों, तो यहां पर हम करने वाले हैं हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एनी एलिमेंट। तो यहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इवन नाइन्थ में टेंथ में दोनों में आपको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही बेसिक चीज है, आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो मैं इनिशियल 20 एलिमेंट्स जो आपको याद होंगे, याद करने ही हैं स्टार्ट के 20 एलिमेंट्स, तो वो मैं लिख देता हूँ। जैसे वी हैव हाइड्रोजन, देन वी हैव हीलियम, उसके बाद है लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन, उसके बाद है नियॉन, राइट। ये हो गए 10 एलिमेंट। इसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम है, अल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम है, और फिर है कैल्शियम। तो ये हो गए हमारे शुरू के 20 एलिमेंट्स ऑफ आर पीरियोडिक टेबल। इसको लाइन से याद क्यों करना है, क्योंकि ये चीज आपको मतलब एटॉमिक नंबर दे रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। हाइड्रोजन का हो गया 1, हीलियम का हो गया 2, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का है 6, है ना, नाइट्रोजन है 7, 8 फॉर ऑक्सीजन, 9 फॉर फ्लोरीन, 10 फॉर नियॉन, ओके। इसके बाद 11 है सोडियम का, है ना, एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं हम। उसके बाद 12 है मैग्नीशियम का, 13 है अल्यूमिनियम का, 14 है सिलिकॉन का, 15 किसका है, 15 है फॉस्फोरस का, देन 16 सल्फर का, 17 है क्लोरीन का, 18 है आर्गन का, 19 है पोटेशियम का, और 20 किसका है, कैल्शियम का। तो यहां पर हमारे 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर वाइज लिखे हमने 1 to 20, ये बात याद रहे। अब जो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, उसके लिए कंसेप्ट समझ लो एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। अब मास नंबर भी आपको जो नाइन्थ में टेबल दिया हुआ है, मैं से एग्जांपल में वैसे मैं एक आध एलिमेंट्स का ले लेता हूँ। जैसे ये मान लो इसका सोडियम का मास नंबर कितना है, सोडियम का मास नंबर है जो जनरल आइसोटोप है उसका है 23, ओके। इसके अलावा मैग्नीशियम का है 24, अल्यूमिनियम का कितना है 27, ओके। तो इसी तरीके से आप बाकी जैसे कैल्शियम का है 40, आर्गन का भी है 40, पोटेशियम का है 39। तो इस तरीके से मैं कुछ एलिमेंट्स का मास नंबर लिख रहा हूँ, और इनके मास नंबर के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं। जैसे कार्बन का मास नंबर है 12, ओके, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इसके एटॉमिक मास के क्लोज होता है ये मास नंबर वाला वैल्यू। तो आपको सारे एलिमेंट्स की वैसे जरूरत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मतलब मेन एलिमेंट्स जो है मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। इसके अलावा आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हो। तो अब इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर का क्या कंसेप्ट है, और अगर हमको किसी एलिमेंट का मास नंबर दिया हो और एटॉमिक नंबर दिया हो या पता हो, तो हम इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी चीजें निकाल सकते हैं, है ना। दिस ए किसका सिंबल है, मास नंबर का, और जेड किसका सिंबल है, दिस इज फॉर एटॉमिक नंबर, ओके। तो यहां पर देखो एग्जैक्टली अब कैसे, जैसे मान लो कि एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम, सोडियम का मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर है 11, यू कैन सी दिस। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, ये चीज समझ लो। व्हेन आई से मास नंबर ए, या फिर जिसको हम मास नंबर कहते हैं, तो ये एग्जैक्टली आपको क्या बता रहा है, ऐसे कितने पार्टिकल्स है उस एटम में जिसके पास मास है, कंसिडरेबल मास है। वैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऐसे तीन पार्टिकल्स होते हैं एटम में, ये आपको पता होगा, कि जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर सेंटर ऑफ एटम में, और साइड में कौन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें जिनका कंसिडरेबल मास होता है, यू कैन सी न्यूट्रॉन्स का मास कितना है, अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ये सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.67 × 10⁻²⁷ kg। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो वो बहुत कम है, 9.1 × 10⁻³⁰ kg। तो आप देख सकते हो यहाँ −31 लगा है, यहाँ −27, सो दैट वी कैन कंक्लूड कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस वजह से क्या किया जाता है,
इस वजह से हम ये मानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही हैं एटम के अंदर जिनका कुछ कंसिडरेबल मास है, और इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल है, उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो वो दोनों न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एटम का सारा मास इज कंसंट्रेटेड, ऑल मास या ऑलमोस्ट ऑल मास इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम या एट द सेंटर। ठीक है, तो यहां पर हमने अगर ये चीज समझ ली तो मास नंबर बताना बहुत आसान है। मास नंबर मतलब टोटल वो पार्टिकल्स की काउंट बताओ जिनका कंसिडरेबल मास है, मतलब सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो दिस इज बेसिकली गिवन बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम। ठीक है, और वैसे ही एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, जैसे हमने यहां पर 1 से 20 तक लिखा हुआ है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज एटॉमिक नंबर, ये है आपका नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर यहां पर और लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये चीज समझ लो, इधर मैंने एंड, यहां पर हमको ऐड करना है, दोनों को सम करना है, लेकिन इधर दोनों में से कोई भी एक, बिकॉज ये बात आपको पता होनी चाहिए किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर एग्जाम्पल में जो हमने लिखा हुआ है, जैसे सोडियम अगर मैं बता रहा हूं, सही है, तो इसके पास अगर इसका एटॉमिक नंबर, अगर तुमको पता है कि भाई इसका एटॉमिक नंबर यानी Z की वैल्यू सोडियम की दी है कितनी, दिस इज सोडियम कहाँ पे, 11 नंबर पे, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ऑब्वियसली प्रोटॉन्स भी कितने हुए, 11 प्रोटॉन्स हुए। ये बात याद रखो, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, और उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। सो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब डायरेक्टली ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वैसे ही मास नंबर, ठीक है, हमको एग्जैक्टली अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका मिल जाएगा। मास नंबर अगर मैं इसको लिख रहा हूं 23, तो मतलब बेसिकली वो कैसे आया मास नंबर, तो मास नंबर मैंने बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब होता यह है कि सोडियम में प्रोटॉन्स तो भैया 11 है जो दिख रहा है हमको, और न्यूट्रॉन्स होते हैं यहां पर 12, तो कितना हो गया टोटल काउंट, कितना हो गया, ये हो गया 23। इसी से बना है आपका सोडियम का मास नंबर, देखो 23। तो अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गई कि भाई एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अगर इसी लॉजिक के हिसाब से जाएं तो आपको देखो ये यहां से मिल जाएगा सीधे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर से, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है विच इज द मास नंबर, इससे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल सकता है। आप क्या कर लो, बिकॉज वी नो दैट मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, जो एटॉमिक नंबर यानी Z की वैल्यू, यानी यहां पर Z लिख दो, तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर गिविंग यू मास नंबर। एटॉमिक नंबर को इधर लिख दो, सो देयरफॉर वी गेट अ फॉर्मूला, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलता जाएगा। सही है, मास नंबर में से क्या माइनस करना है, एटॉमिक नंबर। जैसे यहां पर देख लो इस मैग्नीशियम वाले में मास नंबर कितना है 24, एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 12। सही है, यहां पर भी देख सकते हो मास नंबर कितना है 27, एटॉमिक नंबर कितना है 13, तो कितना हो गया ये 14 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे निकलेगा, जो वहां पर एटॉमिक नंबर है बस वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो दैट इज गिविंग यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, केमिकल के रिएक्टिविटी के बारे में जानना है, तो उसके लिए भी मैंने बनाया है वीडियो, आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, तो वो चीज़ आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो या फिर EduMantra वैलेंसी डालो, आपको वीडियो मिल जाएगा। Thank you for watching. See you again. Bye-bye.